हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी हम मदीना शहर से 150 किलोमीटर पहले अबवा गांव में हैं, और यहीं पे आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का जो है कि कब्रिस्तान भी है, लेकिन वहां पर जाना अलाउड नहीं है। तो यहां पर हमने देखा कि कुछ बकरियों की मंडी लगी हुई है और यहां पर बकरियां बेची जाती हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि यहां पर बकरियां कैसे बेची जाती हैं और कैसे, यानी जो गोट फार्मिंग वाले होते हैं ना, तो वो लोग यहाँ पर ला के बकरियाँ अपनी जो है यहाँ पर केबिंग होती है, केबिंग के अंदर जो 8-10 बकरियाँ रख करके बेचते हैं। तो बहरहाल चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखिए पूरी एरिया, आप यकीन कर सकते हैं कि इस एरिया में मंडी हो सकती है। देख लीजिए चारों तरफ कुछ भी नहीं, पूरा एकदम रेगिस्तान है, पहाड़ी है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो यहीं पर वो मंडी है, वो सामने आप लोग देख सकते हैं। ये पूरी मंडी है, देखिए तो यहाँ पर बकरियाँ जो है बेची जाती हैं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पर देखिए जुमा के दिन असर की बात करती है, देखिए बोली कैसे लग रही है, देख रहे हैं इसी तरीके से बोलियां लगती हैं बकरी। तो देख रहे हैं ऐसे लोग अपना गोट फार्म से बकरियां ला करके यहाँ पर मार्केट होती है और केबिंग बनी होती है। देखिए 30 नंबर है इधर, 29 नंबर देखिए, पूरी केबिंग बनी होती है। तो केबिंग में ये लोग जितनी बेचनी होती है यहाँ पर ला करके रख देते हैं, तो फिर यहाँ पर बोली लगती है, तो फिर ये सब पूरा जो है बेची जाती है। और काफ़ी दूर तक ये मार्केट है, यहाँ पर देख सकते हैं लोग इकट्ठा हुए हैं लेने के लिए। और यहाँ पर भी देखिए ये कौन से नस्ल की है, आप लोग बताइएगा कमेंट में, देख सकते हैं ये देखिए। और देखिए काफ़ी गाड़ियाँ देखिए यहाँ पर आकर के लगी हुई हैं, एकदम आउटसाइड में है। ऐसे ही यहाँ पर जो है बकरी की जो मंडी होती है ना, यही होती है, ऐसे ही लगती है। देख लीजिए ये मदीना से तकरीबन 150 किलोमीटर मदीना और जिद्दा के बीच में है। और ये आगे आप जाएंगे तो मदीना है इधर, और ये मदीना से 150 किलोमीटर पहले पे अल अबवा एक गांव है, वहाँ पर जो है कि ये लगी हुई है। देखिए ऐसे ही जगह जगह पर देखिए हर नस्ल की यहाँ पर आपको मिल जाएगी। 22 नंबर है देखिए गेट, और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं लेने के लिए। और यहाँ पर देखिए ये बकरी के बच्चे कितने खूबसूरत देखिए लग रहे हैं, वाइट वाइट हैं ये देखिए, ये देखिए देख रहे हैं इतने ज़बरदस्त। देखिए